उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ बच्चों को मिल सके, जिसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ शिकायतें सामने आती रही हैं। वहीं निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। सोमवार को मुरादाबाद पहुंची एक अधिकारियों की टीम ने मुरादाबाद के कई विद्यालयों में पहुंचकर निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुरादाबाद पहुंचकर राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान वरिष्ठ विशेषज्ञ राघव कात्याल एवं पाठ्यपुस्तक अधिकारी श्याम किशोर तिवारी ने जनपद के कई स्कूलों के साथ शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण संपन्न होने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक एवं शिक्षकों के साथ बैठक ली, जनपद में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। श्यामा किशोर तिवारी ने कहा कि निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सभी लोग काम करें और आगे आए। ये बेसिकली निपुण भारत के बारे में, निपुण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए SRP ARG और BO और DC साहब के साथ बैठक थी जनपद मुरादाबाद के सभी संबंधित व्यक्तियों की, ताकि जनपद में एक निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो काम अच्छा काफ़ी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, तो उसको और अच्छा कैसे किया जाए उसके बारे में एक रणनीति बनाने के लिए और सबसे आपसे सबके विचारों को जानने के लिए यहाँ पे बैठक की गई। और उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद और इन लोगों के जो ऑलरेडी ये बहुत इनके जोश का स्तर बहुत ऊपर है, उसको और ऊपर करने में मदद मिलेगी और हम निपुण लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो पाएंगे जनपद मुरादाबाद में। निर्देश ये सारे लोग भिगे हैं निर्देशों से, इनको निपुण लक्ष्य के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग गुणी लोग हैं और सारे लोगों को निपुण लक्ष्य पता है। बस ये इन सबसे एक अनुरोध किया गया कि निपुण लक्ष्य को वो अभिभावकों तक पहुँचाएँ और बच्चों को उस लक्ष्य ग्रेड कॉम्पिटेंसी लाने के लिए बच्चों में जो भी एफर्ट करना है वो शिक्षकों के माध्यम से दिलोजान से उसको प्राप्त करने में मदद करें।